मदरसों के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं और फिल्में रिलीज जो हो रही है ना वो आश्रमों से हो रही है। मोदी जी ने ललकारा है मान्यवर, यहाँ केवल यहाँ बम विस्फोटकों से मारने से कठिन होता है कि व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा मारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजवीर साय और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। दोस्तों कल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के ह्यूस्टन में जिस तरह से आर्टिकल 370 पर बोला है उसके बाद पाकिस्तान को नींद तो नहीं आ रही होगी, लेकिन जिस तरह इमरान खान यूनाइटेड नेशन पर कश्मीर मुद्दे को लेकर सवाल खड़े करने गए हैं, इसको लेकर हम जानना ये चाहेंगे कि क्या जो इमरान खान गए हैं ये यूनाइटेड नेशन में कुछ कर पाएंगे या खाली वहाँ से चाय पीकर वापसी आ जाएंगे। ऐसा है देखो जी, पाकिस्तान के तो आपको पूरे कंट्री को, उनके देश को तो खैर मालूम है उनके इमरान खान के बारे में, बाकी पूरी कंट्री को मालूम चल चुका है कि इसने कहां पर अपने आप क्या क्या व्यवस्था करके अपने देश में किन उग्रवादियों को इसने छुपा रखा है, किन उग्रवादियों का समर्थन से चल रहा है। तो मैं कहने का मतलब कांग्रेस के उसके बोल कर पाकिस्तान के ऊपर बोल के यहां, अब अमरीका के पास गया ना, पहले मोदी ने अपना प्रोग्राम कर लिया ना, अब जाएगा अभी तो उसको मुँह की खानी पड़ेगी, उसको कुछ फर्क नहीं मिलेगा, जो हासिल करने नहीं जाएगा। मोदी जी ऐड करके आ गए, ट्रंप का आपकी सरकार, ट्रंप की सरकार। मोदी जी बहुत कलाकार है भाई, मोदी जी राजनीति आपसे सीख ली। हाँ देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं कलाकार है, तो इनका जो था कांग्रेस अध्यक्ष था पहले राहुल, जनता यहाँ परेशान हो रही है, आप वहाँ पे ऐड कर रहे हो हमारे पैसों से। जब राहुल है जब कांग्रेस का अध्यक्ष था तो कहाँ गया था, चाइना गया था भारत की बुराइयां करने के लिए, दुबई गया था भाई बुराई करने के लिए, बोला था वहाँ पे कह रहे हैं देश बल्ले बल्ले है, देश बल्ले बल्ले, दुकानों में ताला नहीं लग रहे थे, देश बल्ले बल्ले होता। 55 साल का खड्डा तो भरना ही पड़ेगा ना भाई, एकदम तो पूरा नहीं हो जाएगा। अगर इंसान को अगर किसी चीज का टीका लगाए गड्ढा भर गया ना, ऑफिस बन गया, ये भर तो रहा है ऑफिस, बनना है बीजेपी का ऑफिस, बन गया। मोदी चाइना था, चाइना तो बहुत प्यार करते हैं, उन्हें और चीज बनानी पड़ेगी, अभी मूर्ति बनाई है चाइना का सारा आइटम है। आपको देखो ये सारे आपके सामने इकट्ठे हो गए विपक्ष के, इनको इतनी इतनी भी शर्म नहीं है कि जेल में मिलने जा रहे हैं, चिदंबरम से मिलने जा रहे हैं, ये चिदंबरम से मिलने जा रहे हैं, वो क्यों मिलने जा रहे हैं भाई? अमित शाह जेल में था क्या, आप नहीं गए? अमित शाह जेल में था 12 साल, तो कोई मिलने नहीं गया, दूध का कोई दुला नहीं है, इन्होंने ओसी राजनीति करनी है, ओसी राजनीति रहेगी इनकी, अच्छी राजनीति नहीं हो सकती भाई साहब। मैं आपको बताऊं कौन है चिन्मयानंद, कौन है उससे हमसे पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं, आप बताओ कौन है, आप बताओ कौन, मालूम नहीं है, बीजेपी का नेता नहीं मिल गया, वो मंत्री नहीं रहा, वो मंत्री रहा कि नहीं रहा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी कल ह्यूस्टन में हाउडी रैली को संबोधित करते हुए आर्टिकल 370 पर बोला, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को नींद तो नहीं आई होगी, चाय पीकर अपना काम चला रहे होंगे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये आज उभरते भारत की तस्वीर है, और जिस व्यक्ति को ये न दिखे तो समझ लेना या तो राजनीतिक दबाव है या तो राजनीति के उस घिनौने खेल का वह खिलाड़ी है जो भारत राष्ट्र की एकता अखंडता को नित्य नैमित्तिक रूप से दुर्ग्रस्त करने का कुछ प्रयास करने जा रहा है। द्वितीय, पाकिस्तान को जिस प्रकार से उस मंच से नरेंद्र मोदी जी ने ललकारा है मान्यवर, यहाँ केवल यहाँ बम विस्फोटकों से मारने से कठिन होता है कि व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा मारे। पहले राष्ट्रपति ट्रंप को किस तरीके से अपनी वाक पटुता के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को अपने फांस में फंसाया, और उसके बाद उसके सामने वो बातें कह दी जिसके विषय में डोनाल्ड ट्रंप को भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन यह कूटनीति जनसामान्य के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के विद्वता के लक्षण वहां से प्रभावशाली होते हैं जहां से इन सबके बुद्धि का गुण न्यूनता के स्तर को प्राप्त होता है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि नरेंद्र मोदी वहां पर रिपब्लिकन पार्टी के प्रचारक के रूप में गए थे, आप इसको कैसे देखते हैं? यदि नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर यह कहा कि अगली बार अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, क्यों तो हम बता देना क्यों का बता रहे, पहले सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए, हम बता रहे हैं जनता का मैसेज बता रहे हैं। उसका कारण एक है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी भारत की सरकार को भारत की अखंडता संप्रभुता यहाँ के महान विद्वानों तथा यहाँ के जितने भी राजनीतिक रूप से इस भारत राष्ट्र की एकता को उच्च स्तर पर पहुँचाना है, ताली बजा रहे हैं आपकी सरकार, आपकी सरकार मोदी जी कह रहे हैं आपकी सरकार रघु सरकार, नीचे केवल एक वाक्य को पकड़ करके बाल की खाल नहीं निकाली जा सकती है। और दूसरा दूसरी
यदि एक वाक्य से पूरा विश्व हमारे साथ होता है तो हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मैं बताता हूँ आपको, विपक्ष आज विपक्ष बिल्कुल ही बौखलाया हुआ है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो एक छोटी ऐसी चीज को आगे सामने लाना चाहते हैं जिनको इनको इनको इस देश की इस देश का इनको मान सम्मान नहीं है विपक्ष को, इसीलिए ये बातें कर रहा है। इनको तो हर चीज में प्रूफ चाहिए, प्रूफ के लिए सारे खड़े हैं, इनसे कुछ ना कहा, इनका गठबंधन इनको छोड़ के गए। विपक्ष न केवल मात्र कर्तव्यहीन हो चुका है, विपक्ष के पास किसी प्रकार के मुद्दे नहीं है, केवल विपक्ष इतस्तता की बातें करने के अलावा तेजो सत्तर के मुद्दे पर अलग बोलता है, आतंकवादियों के मुद्दे पर अलग बोलता है। भाषण दिया है आपने, आप दूसरे की भी सुन लो, दूसरे की भी सुन लो। बोलिए, देखो मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री अमरीका में जाकर ये कह रहे हैं, आप एक मिनट जैसे सरकार हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, ऐसी सरकार दोबारा आप वहाँ भी बना लो। जैसे यहाँ की इकोनॉमी 4% आ गई ना, ऐसी पाकिस्तान वहाँ की जो है अमरीका की भी ऐसी आ जाएगी, दोनों भाई भाई हैं, समझे। इस हिंदुस्तान के अंदर देखिए क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर देखो, दुकानों पर जाकर देखो ताले लग रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में देखो, ये देखो कितने बेरोजगार फिर रहे हैं, इनके बारे में देखो, वहाँ बड़े बड़े भाषण छोड़ने से नहीं होता काम, हिंदुस्तान के बारे में देखो क्या है तुम्हारे बारे में कर क्या। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दो मुद्दे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय मुद्दा नहीं ला सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, सिर्फ दिखावा कर सकते हो, सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हो। भारत के लोगों को रोजगार दो, रोजगार को मानने वालों की भाषा मान सम्मान बढ़ाए, कुछ नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत इनको गौरवान्वित हुआ है। इनको राहुल गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहिए, यहाँ रोजगार की बाढ़ें आ जाती और आधा पाकिस्तान भारत में बस जाता। केवल मात्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर राष्ट्रीय मुद्दे नहीं रखे जा सकते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे नहीं रखे जा सकते। आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ही होंगे, चाहे आप लाख कोशिश करो लाख गलत बोलो। देश के मुद्दे, वर्ल्ड बैंक ने भारत को डेवलपिंग कंट्री से हटा दिया है, क्यों? क्योंकि इसका जीडीपी गिर गया है, ग्रोथ रेट गिर गया है, और बेरोजगारी बढ़ गई है, मंदी ज्यादा हो गई है, इससे लग गया है इंडिया का। ये भाषा तो पाकिस्तान के लिए बोलनी चाहिए कि बर्बाद हो गया, जीडीपी खत्म हो गई, वर्ल्ड बैंक ने उनको क्रेडिट। हम पाकिस्तान के बराबर में आ चुके हैं, नहीं है यार, ऐसा नहीं है, ये केवल कहने वाली बात है। आपकी 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 भाई नहीं है, आपकी आपकी पाकिस्तान की जीडीपी 5.4 है, आपकी फोटो 5.6 है, आपकी फोटो पाकिस्तान के अखबार में फ्रंट पेज पर आने वाली है। इकलौता ऐसा नवयुवक, इकलौता नवयुवक ऐसा है। केवल मात्र आप यदि ये कहें अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तो माननीय राजनीतिक दंडता, राजनीतिक ढंग से आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि आपके एक वाक्य का प्रयोग हमारा विरोधी राष्ट्र उसका सुपरिणाम प्राप्त करने की कोशिश न करे। छुटाना भारी पड़ेगा। और द्वितीय, जहां तक इनका कहने का मतलब है कि इकोनॉमी गिर गई, ये गिर गई, वो गिर, बंद हो, इतना कुछ नहीं है अभी राष्ट्र। मदरसों के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं और फिल्में रिलीज जो हो रही है ना, वो आश्रमों से हो रही है, आश्रमों से फिल्में रिलीज, मदरसों में कैमरे, ये सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांट सकते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास में, और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी के विषय में कोई यदि ये कहे कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिमों को बांटा, तो बंधु वे नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कहा एक हाथ पर कुरान और एक हाथ पर कंप्यूटर का ज्ञान होगा। जब ये कहने की बात के, तो आज कर नरेंद्र मोदी मान्यवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको मुखौटा बना करके आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति को प्रखर प्रखर और अपने लिए अग्निपथ बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह से देश में सबसे बड़ी संस्था है सीबीआई, सीबीआई के आलोक वर्मा को हटाया गया, क्यों? क्योंकि मोदी की फाइल वहां पे गई। सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्होंने हैक कर लिया, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने हैक कर लिया, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन और अभी जो उर्जित
उर्जेदार पटेल उनको हटवा दिया गया, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, आरबीआई से 1.76 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए इन्होंने विड्रॉ कर लिए कि क्या हमारे पास पैसा नहीं है, मतलब ये जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और रघुराम राजन की बात सारे कर रहे हैं, लेकिन क्या जब रघुराम राजन गवर्नर थे उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या आपको क्या लगता है उस समय इकोनॉमी ठीक थी? नहीं थी। केवल बात इतनी है कि जब तक व्यक्ति राज सत्ता में अपने पद पर आरूढ़ित होते हैं तब तक हर व्यक्ति को लगता है कि ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी जी ने यदि रघुराम राजन की जगह जिसे नियुक्त किया है वह भी उतना ही ज्ञानवान तथा अपनी बुद्धि ज्ञान चक्षु में बड़ा ही ज्योति युक्त और बड़ा प्रखर और मुखर है, चाहे कुछ भी कहो। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में इमरान खान को लताड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने, इमरान खान पीओके में रैली करके आए हुए थे, क्या बोल रहे थे कि मैं अभी जा रहा हूँ यूनाइटेड नेशन, और अपनी जनता को बोल रहे थे मैं जानता हूँ कि तुम इंडिया की बॉर्डरों में घुसना चाहते हो। अब इमरान खान जाकर पाकिस्तान में क्या बोलेंगे? एक वाक्य संस्कृत में बड़ा अच्छा है, विद्वत तल्लजो ने लिखा है, प्रिय वाक्य प्रधानेनो नैव तुष्यन्ति जन्तवः सर्वयत्न प्रयत्नेनो वचने का दरिद्रता। बोलने से गरीबी नहीं आती, कितना भी बोल लो, यदि इमरान खान को अपने नेत्रों के सम्मुख अपने राष्ट्र पाकिस्तान के नहीं लूटने से आती है दैव खंडता, उसको खंड खंड होने के दृष्टि उसे दिखाई दे रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी और इमरान में बहुत कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों आप समझ सकते हैं हाउडी मोदी का लेकर किस तरह से इस समय जनता में क्रेज है। आप देखते रहिए यूपी टाइम्स, मैं हूँ राजवीर शाह, जय हिंद दोस्तों।